Solve log base 1 by 2 3x minus 1 greater than equals to 1, and the same with second problem है. So now focus here, अगर मैं इस problem को solve करता हूं तो ध्यान से देखिए, log base 1 by 2 and 3x minus 1, सबसे पहले equation या inequality में key step होता है, all terms involved in the inequality must be real. तो पहली जो बात है काम की वो ये है कि 3x minus 1 must be greater than 0, तभी real होंगे. तो x must be greater than 1 by 3. अगर 1 by 3 से बड़े solutions आएंगे तो मैं accept करूंगा, otherwise मैं reject कर दूंगा. Okay, अब बात आती है 1 है, 1 को कैसे replace किया जाए. 1 को log 2 2 लिख सकते हैं, log 3 3 लिख सकते हैं, log 4 4 लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर लिखूंगा log base 1 by 2 और 1 by 2, log base 1 by 2, 1 by 2, ठीक है ना. तो log बेस a a 1 होता है, 1 by 2, 1 by 2, इससे फायदा क्या होगा, कंपैरिजन हो पाएगा. नाउ इसका जो ग्राफ होता है वो बेस अगर 0 टू 1 में होता है तो डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है log का ग्राफ, log वेरिएबल का ग्राफ. अगर वेरिएबल का जो बेस है 0 टू 1 है तो वो कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है. मींस x जैसे वेरिएबल जैसे जैसे बढ़ रहा है y क्या होता है, कम होता है. It means अगर log base 1 by 2 3x minus 1 is greater than equals to log base 1 by 2 or 1 by 2, it means inequality क्या हो जाएगी, reverse हो जाएगी. इससे अगले step पे मेरे पास क्या आएगा, 3x minus 1 is less than equals to 1 by 2 or x is less than equals to 1 3 by 2 or into 3, like ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना. तो x is less than equals to 1 by 2, ठीक है, ये मेरे पास आया, माइनस इनफिनिटी से 1 बाई 2 तक आ गया. ओके, लेकिन मैं एक्सेप्ट क्या करूंगा, 1 बाई 3, 1 बाई 3 से आगे तो काम का मतलब पहले काम का ही नहीं है. द फाइनल आंसर इज ओपन 1 बाई 3 से लेके 1 बाई 2 क्लोज. ओके, तो की स्टेप क्या है, सबसे पहले डोमेन जिसके लिए सभी टर्म्स रियल है. सेकेंड स्टेप क्या है, भाई ये 1 को मैंने लॉग बेस 1 बाई 2 1 बाई 2 लिखा जिससे कंपेरिजन आसानी से हो. थर्ड वन में क्या है कि ये जो फंक्शन है ये ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, दैट्स व्हाई ग्राफ डिक्रीज हुआ, तो मैंने इनइक्वालिटी क्या कर दी, चेंज कर दी. ओके, यहां पर देखें, इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो सेम तरीके से फॉलो करूंगा, आसान है. देखिए रखे से लॉग बेस 2 है मेरे पास और यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 less than equals to 2 है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, x square minus 1 greater than 0, it means x minus 1, x plus 1 greater than 0, it means क्या होगा, ये नंबर लाइन से आता ही है, बताइए मैंने, minus 1 plus 1 and positive negative positive, when x is greater than 1 both terms are positive, that's why product is positive, that's why the answer is minus infinite to minus 1 union 1 to infinite. When x is less than 1, both are negative, that's why product is positive. Okay? तो ये मेरे पास ये आया, लेकिन इससे अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं, जो भी आंसर इसमें लाई करेंगे उन्हें एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दूंगा. ठीक है, 2 को मैंने क्या लिखा, आप उसको समझना, log 2 ये आया मेरे पास x square minus 1 और 2 को लिखा log base 2 2 लिख दिया, log base 2 2 square आ गया. ओके, ये बात आ गई मेरे पास, ठीक है ना. अब इस स्टेप के बाद क्या होगा कि जो इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी रिमेन सेम, क्यों, क्योंकि ग्राफ इसका कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है. एक ग्राफ कैसा होता है, इंक्रीजिंग, कब, जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो ग्राफ कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है. दैट्स व्हाई ये मेरे पास ऐसा रहेगा. एंड नाउ मैंने इनइक्वलिटी रिमेन सेम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, इसे हम सॉल्व करेंगे x माइनस रूट 5 एंड x प्लस रूट 5 लेस देन इक्वल्स टू 0. इन द सेम वे 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव, नंबर लाइन से भी कर सकते हैं. रूट 5 एंड रूट 5 माइनस रूट 5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से आंसर आएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस रूट 5 एंड लेस देन इक्वल्स टू रूट 5. ओके, लेकिन इसमें से वही आंसर मैं एक्सेप्ट करूंगा जो इसमें लाई करेगा, क्यों, सभी टर्म्स इन्वॉल्व इन इनइक्वालिटी, ऑल टर्म्स इन्वॉल्व इन इनइक्वालिटी मस्ट बी रियल. तो क्या लाई करेगा भाई इसमें, ये देख चेक करने का तरीका मैंने बताया है कि देखिए माइनस रूट फाइव से लेके क्लोज है,
ये आ जाएगा, कहाँ तक आएगा, माइनस वन ओपन तक आ जाएगा, फिर माइनस वन से वन तक नहीं है इसमें, यूनियन वन ओपन से रूट फाइव तक, ये मेरे पास फाइनल आंसर इस प्रॉब्लम का होगा। तो मुझे लगता है आसान है, आसान है, आसान है। क्यों लगता है ऐसा? देखिए आप कि आपको किस बात का ध्यान रखना है, पहला स्टेप क्या है, डोमेन दोनों केसेस में जिस जो आंसर उसमें लाई करेंगे उन्हीं को मैं एक्सेप्ट करूंगा। दूसरा, लॉग का नेचर कैसा होता है, ये रिप्लेस वन को मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया लॉग बेस वन बाई टू, वन बाई टू, टू को रिप्लेस किया, यहाँ पर लॉग टू टू था तो टू टू और फिर टू पावर में चला गया, ये रिप्लेस किया, ये काम था। तीसरी जो काम की बात है दैट इज ग्राफ, ग्राफ या देन बेस इज जीरो टू वन, देन इक्विटी ऑफ लॉगरिथमिक चेंज कर जाती है, क्योंकि वो डिक्रीजिंग होता है तो जैसे जैसे वेरिएबल इंक्रीज करता है वैल्यू कम होती जाती है, और जब बेस ग्रेटर देन वन होता है तो इक्विटी रिमेन्स सेम। ओके, तो मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं।